कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मिलकर लखनऊ में रोड शो करके चुनावी बिगुल फूंक दिया है, मगर राहुल इससे संतुष्ट नहीं है। असल में राहुल गांधी गुजरात के वलसाड जिले में जनसभा को संबोधित करके लोकसभा के रन में पूरी तरह से उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अब पीएम मोदी के गढ़ में जाकर इस तरह से रैली को संबोधित करते हुए राहुल कहीं न कहीं इस तरह का संदेश पीएम मोदी को देना चाहते हैं कि इस चुनाव में वो उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैसे भी राहुल गांधी ने राफेल मामले पर तो केंद्र सरकार को घेरा हुआ है, मगर अब वो और ज्यादा प्रहार सरकार पर करने के मूड में नजर आ रहे हैं। वैसे आपको बताते चलें कि राहुल गांधी ने गुजरात में साल 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में भी जमकर पार्टी का प्रचार प्रसार किया था। इसका नतीजा ये रहा था कि राहुल का मुकाबला करने के लिए भाजपा की पूरी फौज को गुजरात में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मगर इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इस जगह से चुनावी बिगुल फूका है तो उसमें उन्हें सफलता जरूर मिली है। इसी जगह पर साल 1980 में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने, फिर साल 1984 में राहुल के पिता राजीव गांधी के अलावा माँ सोनिया गांधी ने भी साल 2004 में यहां से चुनावों के प्रचार का आगाज करके सत्ता हासिल की थी। अब देखना खास दिलचस्प होगा ये टोटका कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि जब से मोदी लहर देश में आई है तब से लगातार कांग्रेस की सियासी जमीन दरक रही है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।